उन्होंने ये ब्रेन की एम आर आई की नाल ये आईज के टैसट किए तो उन्होंने सूँ कहा कि ये मतलब कि ब्रेन में कैंसर सैल चले गए हैं। पहला भी 15-16 लाख रुपया ला दिता वा, उन्होंने कहा कि दोबारा 3 साल में मतलब कि उस तो ज़्यादा ही आएगा। हूँ फिर थोड़ा चलन फिरन से भी इन प्रॉब्लम आन दी, जिदा थोड़ा जहा चलता ही दिख जाता है। हॉस्पिटल गल की कि इन पता नहीं की गल दिसदा नहीं पिया है, ब्रेन वाले नूं दिखाओ। ब्रेन वाले ने जब एम आर आई वगैरह हुई फिर उन्होंने सूँ कहा कि ये ब्रेन कैंसर सैल चले गए। पी जी आई भी गए, उन्होंने भी नहीं साड़ी बांह फड़ी हैगी, वो भी कहते मतलब कि अभी बाहर का बच्चा वा, बाहरों ट्रीटमेंट कराया, आप नहीं करना है। कोई मतलब कि साड़ी बांह फड़े उन्होंने साडे बच्चे के ट्रीटमेंट लिए कोई साथ दे सकता। पहले तो ये ब्लड से कैंसर से तो वह आप ट्रीटमेंट लेंदे पे से, डॉक्टर ने कहा 3 साल का ट्रीटमेंट आ, अजे 2 साल ही होए थे तो ये आईज में प्रॉब्लम आ गई। तो जो अं आईज वाले डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये मतलब पर्दे वगैरह चैक किए तो कहते आईज इदा ठीक है, तुम ना यदि एम आर आई वगैरह करवा लो, ब्रेन वाले डॉक्टर को दिखा लो। ये जितने ट्रीटमेंट चलता से उन्होंने दिखाया जाके, उन्होंने ये ब्रेन की एम आर आई की नाल ये आईज के टैसट किए तो उन्होंने सूँ कहा कि ये मतलब कि ब्रेन में कैंसर सैल चले गए हैं। तो ये वास्ते हम यही है कि यदा दोबारा ही ट्रीटमेंट होएगा फिर 3 साल वास्ते, तो मतलब कि उन्होंने सानू सारा खर्चा वगैरह दस दिता कि इन्ना ढा खर्चा आएगा। जिस तरह पहला भी 15-16 लाख रुपया ला दिता वा, उन्होंने कहा कि दोबारा 3 साल में मतलब कि उस तो ज़्यादा ही आएगा। हूँ हूँ कितना खर्चा उन्होंने दिता? उन्होंने 21 से 22 लाख के करीब दस दिता। फिर कदों इस बीमारी बारे पता लगा कि उम्र थी इस बच्चे की? जो दोबारा होया पहला पहला शुरुआत हुई पहला स्टार्टिंग उदो 4.5 साल का सी, 2021 होया सी, हुण 6 महीने हो गए दोबारा जो ये मतलब कि ब्रेन च जो सैल कैंसर सैल गए सी। जो पहला तो ट्रीटमेंट कराया तो ठीक हो गया? हाँ जी, उदो बिल्कुल ठीक चलता पिया सी, मतलब कि लास्ट ही सी एक साल हुण बस मेडिसिन चलने सी, कोई थोड़ी जी 2.5 महीने बाद इंजेक्शन जांदा सी। हुण मतलब कि फिर बाद विच डॉक्टर ने कहा फिर स्टार्टिंग तो दोबारा ट्रीटमेंट इहदा चलेगा। हुण की प्रॉब्लम थी कितना पता लगा सी तुहानूं कि इहनां दी आई जिहड़ी हुण जिदा स्कूल गया, स्कूलों वापस आया तो स्कूल तो जिदा मैम ने होमवर्क दिता सी करवा रही सी, तो मैम ने भी मैनूं कहा कि इहने अज क्लास वर्क नहीं कीता हैगा, पता नहीं की गल आ। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, बच्चा कर दे कई बार। मैं घर आ के जदों करवाया तो उन्हें मतलब कि इहनूं पता ना चले कित्थे की करना की नहीं, कित्थे लिखना मैं। फिर थोड़ा चलन फिरन से भी इन प्रॉब्लम आन दी, जिदा थोड़ा जहा चलता ही दिख जाता है। तो बाद फिर मैं डॉक्टर ये उत्थे हॉस्पिटल गल की कि इन पता नहीं की गल दिसदा नहीं पिया है, उन्होंने कहा कि आईज के टैसट करवा के देख लो, आईज वाले डॉक्टर ने दिखा के। आईज वाले डॉक्टर ने फिर सूँ कहा कि तुम ब्रेन वाले नूं दिखाओ, ब्रेन वाले ने जब एम आर आई वगैरह हुई फिर उन्होंने सूँ कहा कि ये ब्रेन कैंसर सैल चले गए, वो कारण ही सारा कुछ हो रहा। हाँ जी, पी जी आई भी गए, उन्होंने भी नहीं साड़ी बांह फड़ी हैगी, वो भी कहते मतलब कि अभी बाहर का बच्चा वा, बाहरों ट्रीटमेंट कराया, आप नहीं करना है। फिर आप गुरु रामदास हॉस्पिटल गए कि चलो आप कीमो वगैरह ही होनी इतों करवा लें, तो वह कहें कि तुम मतलब कि साढ़े को बच्चों का डॉक्टर नहीं है, ये तो 40 ही चलेगा जिते चलता पाया ट्रीटमेंट। दुकान करियाने की दुकान के सिर तो ही चलता पाया जी। 15 से 16 लाख के लग चुके हैं। यही है कि कोई मतलब कि साड़ी बांह फड़े उन्होंने साडे बच्चे के ट्रीटमेंट लिए कोई साथ दे सा, कोई एन जी ओ वगैरह जिस तरह होंगे वो कर देन साड़ी हेल्प। कला बेटा? हाँ जी, एक ही है।